हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे वेदर रिलेटेड वर्ड। तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। हिमस्खलन को इंग्लिश में एवलॉन्च कहते हैं। हवादार को इंग्लिश में विंडी कहते हैं। गर्म तारंगों को इंग्लिश में हीट वेव कहते हैं। धूमिल को इंग्लिश में फॉगी कहते हैं। पतझड़ को इंग्लिश में ऑटम कहते हैं। बसंत को इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं। बरसाती को इंग्लिश में रेनी कहते हैं। गर्मी को इंग्लिश में समर कहते हैं। सर्दी को इंग्लिश में विंटर कहते हैं। धूप को इंग्लिश में सनी कहते हैं। ओले के साथ बारिश को इंग्लिश में स्लीट कहते हैं। अकड़ाने वाली ठंड को इंग्लिश में फ्रीजिंग कोल्ड कहते हैं। मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में शावर कहते हैं। सूखा को इंग्लिश में ड्राउट कहते हैं। आंधी तूफान को इंग्लिश में थंडर स्टॉर्म कहते हैं। बर्फानी तूफान को इंग्लिश में ब्लिजर्ड कहते हैं। तूफानी को इंग्लिश में स्टॉर्मी कहते हैं। बाढ़ को इंग्लिश में फ्लड कहते हैं। बूंदाबांदी को इंग्लिश में ड्रिजलिंग कहते हैं। ओला को इंग्लिश में हेल कहते हैं। सूरज की किरणें, इसको इंग्लिश में सनरेज कहते हैं। बिजली, इसको इंग्लिश में थंडर लाइटनिंग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।